दीदी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ततो नो अभयं कुरु शन्नहं कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः ओम इमाम इन्द्र सुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धया मतिम् उत प्रवर्धयामतिम् यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। दो तरह के लोगों के मन में, दो तरह के लोगों के मन में कभी भी कोई भी सवाल नहीं उठता। एक तो वो जो सब कुछ जानते हैं, जिन्हें सब मालूम है, उनके मन में क्यों कोई सवाल उठेगा। और एक वो जो इतने मूर्ख हैं कि कुछ सोचते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, तो उनके मन में कोई सवाल नहीं उठता। तो अगर आप लोगों की ओर से कोई सवाल नहीं आया तो दो में से एक बात सच होगी। तो सब कुछ जानते हैं इसलिए सवाल नहीं कर रहे, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। तो फिर एक ही बात सच रह जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि सवाल करें, सवाल उठाएं, सवाल सोचें और उनके उत्तर मिलजुल कर ढूंढें जो सच हो। जरूरी नहीं कि कोई एक आदमी सब कुछ जानता हो और सब सवालों के जवाब दे दे। इतनी विनम्रता रखनी चाहिए कि जितना हम जानते हैं अपने ज्ञान की सीमा के अंदर उन बातों पर सोचने की और उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मूल शंकर ऋषि दयानंद कैसे बने बताइए, मूल कारण क्या था? मूल शंकर का ऋषि हो जाना किस वजह से हुआ? हाँ, मन में उठा प्रश्न कौन सा जी? सच्चा शिव कौन सा है? पर नहीं, ये मौलिक प्रश्न नहीं था, ये नंबर दो का प्रश्न था। आप सब लोग जो आर्य समाज के लोग यहां बैठे हुए हैं, आर्य समाज की बातें सुनते रहते हैं, उन सब से पूछता हूं, बताइए इससे भी पहले कौन सा प्रश्न था जो मूल शंकर के मन में उठा था? नहीं, चूहे के उस प्रतिमा पर चढ़ने से तो ये प्रश्न उठा था कि ये कैसे शिव हैं जो अपने ऊपर चढ़े हुए चूहे को नहीं रोक पा रहे। तो पता लगा था, इस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया था। सही संपूर्ण उत्तर नहीं, तत्काल शांति देने वाला उत्तर मिल ही गया था कि ये तो प्रतिमा है, सच्चे शिव कहीं और पहाड़ों पर, कैलाश पर कहीं हैं। तो उसके मन में संकल्प जगा कि चलो उस सच्चे शिव से ही अब मिलेंगे। तो ये तो प्रश्न उठा और उत्तर मिल गया, पर इस प्रश्न से भी पहले और एक प्रश्न उठा था और वो प्रश्न मौलिक था, वो प्रश्न महत्वपूर्ण था, वो प्रश्न ऐसा था जिसके उत्तर की तलाश में ही सारे उत्तर छिपे हुए हैं। इस घटना से बहुत पहले मूल शंकर के बहुत प्यार करने वाले चाचा और उसको बहुत प्यार करने वाली बहन बीमारी से मर गई थी। जो बहन अपने हिस्से में आई हुई मिठाई
ये कोई भी अच्छी चीज अपने भाई के लिए रख देती थी, मूल के लिए उसे खिलाना। देखते देखते कोई कुछ ना कर सका, कौन है वो? उसके मन में प्रश्न उठता है, उस बालक के मन में, कौन है वो जिसके हाथों में हम सबका जन्म और मृत्यु है? आखिर सीधी सी बात है कि हमारा आपका किसी का भी जन्म हमारी अपनी इच्छा से नहीं हुआ। सुबह मैं आपसे पूछता था कि लड़कियों के, महिलाओं के मन में ऐसी इच्छा जागती होगी कि पुरुष हुए होते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन सवाल यह है कि हमारे जन्म से पहले हमसे कुछ पूछा ही नहीं जाता, कहां जन्म लेना है, कैसे शरीर में जन्म लेना है, लंबे शरीर में, छोटे शरीर में, मोटे शरीर में, पतले शरीर में, गुजरात में जन्म लेना है कि महाराष्ट्र में, भारत में जन्म लेना है कि अमेरिका में, पुरुष होना है कि स्त्री, कुछ नहीं पूछा जाता। हमारी रुचि, हमारी च्वाइस पूछे बिना हमें अलग अलग शरीर में, अलग अलग माता पिता के यहां, अलग अलग तरह की परिस्थितियों में विवश होकर जन्म लेना पड़ा है। और ठीक ऐसी ही मजबूरी के साथ हमें इस शरीर को छोड़कर चले भी जाना पड़ता है, तब भी हमारी च्वाइस नहीं पूछी जाती कि 5 मिनट और चाहिए, 1 मिनट ही सही, नहीं, तब भी नहीं पूछा जाता। ये जो हमारी विवशता है, हमारी रुचि, हमारा विचार, हमारी इच्छा पूछे बिना हमें जन्म मिला है, और ठीक ऐसे ही हमारी रुचि और इच्छा पूछे बिना ही हमें चले भी जाना पड़ता है, ये एक कारण है। बहुत सारे कारणों के बीच ये भी एक कारण है जो ये इंगित करता है, जो ये इशारा करता है, जो ये मानने को बाध्य करता है कि जरूर हम सब के ऊपर कोई शक्ति है जो हमारे जन्म मृत्यु का नियंत्रण कर रही है, जिसके आगे विवश होकर हम अलग अलग तरह के शरीरों में जन्म ले रहे हैं, जीवित रहते हुए अलग अलग तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, अलग अलग तरह के सुख दुख भोगते हैं और विवश भाव से इस शरीर से चले भी जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति सोचना शुरू करता है, अपनी बुद्धि को, अपनी चिंतन करने की, विचार करने की शक्ति को बल देता है, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जीवन से जुड़े हुए, जगत से जुड़े हुए जो गहरे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों ने ही मनुष्यता को आगे बढ़ाया है। पूरी साइंस और फिलोसॉफी प्रश्नों के उत्तर खोजने का ही परिणाम है, और भगवान ने जानने की इच्छा, ज्ञान पाने की इच्छा बचपन से ही हरेक के मन में स्थापित कर दी है। आप नहीं देखते, आपके बच्चे जैसे ही कुछ बोलना शुरू करते हैं, जैसे ही भाषा के थोड़े से सेंटेंस उनके पास आते हैं, वैसे ही वो आपसे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं और प्रश्न पूछ पूछ के मां बाप की नाक में दम कर देते हैं। हर बारे में उनका सवाल होता है, अरे अभी अभी उन्होंने आंखें खोली हैं दुनिया में, इसलिए वो हर चीज को जानना समझना चाहते हैं। एक उड़ती चिड़िया आके बैठ गई दीवार पर, ये क्या है बताओ, एक घोड़ा देखा, गधा देखा, गाय देखी, ये क्या है बताओ। फिर वो पूछते हैं थोड़ा और बड़े होके, पंछी क्यों उड़ते हैं, मैं क्यों नहीं उड़ पाता, दीजिए जवाब। फूल क्यों खिलते हैं, कैसे खिल जाते हैं, चांद की रोशनी क्यों ठंडी है, सूरज की क्यों गर्म, ये बच्चों के सवाल हैं। पर इस प्रश्न के उत्तर में कितनी साइंस छिपी हुई है, चांद की रोशनी क्यों ठंडी है, सूरज की क्यों गर्म, अच्छा बताइए आप ही, कम से कम मुझे तो पता नहीं, सोचिए तो सही, आपके आसपास कितने प्रश्न बिखरे हुए हैं। और देखो, एक सवाल, एक जीवन से जुड़ा हुआ गहरा सवाल, सबसे जरूरी सवाल, जिस प्रश्न के उत्तर में दुनिया की सारी फिलोसॉफी सिमट जाती है, सारे दर्शन शास्त्र, दुनिया का हर एक बच्चा पूछता है अपनी मां से, अपने पिता से। ख्याल में आया कौन सा सवाल? दुनिया का हर एक बच्चा एक सवाल कभी न कभी जरूर पूछता है, जरूर पूछता है,
भारत का हो या चाइना का, अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का, हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कुछ भी। ध्यान में आया? आप बोलिए ना, कौन सा सवाल बच्चे पूछते हैं? दुनिया के सब बच्चे वो सवाल पूछते हैं अपने माता पिता से, मैं कहां से आ गया, कहां से आया। तो शहरों की मम्मियां बता देती हैं कि तुम हॉस्पिटल से लाए गए थे, और गांव की मम्मियां कह देती हैं तुम कूड़े पर मिले थे, जहां कूड़ा डाला जाता है, कचड़ा घूरा, वहां मिले थे। जैसा भी बता पाए उत्तर, बच्चे को सेटिस्फाइड तो करना है, संतुष्ट तो करना है, तो कुछ भी जवाब दे दिया और बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा तो बच्चा है, उसका अपने माँ पर, अपने पिता पर और उनके ज्ञान पर, उनके बड़प्पन पर इतना गहरा विश्वास है कि वो जो भी बता देंगे उसको वो पूरा पूरा सच मानकर स्वीकार कर लेगा। अब बच्चे को समझाएं भी क्या कि मैं कहां से आया, इस प्रश्न का उत्तर सुनो। उस बच्चे का सवाल बहुत गहरा है। अगर आप कुछ बड़ा हो जाए वो, तब अगर आप उसको, बच्चे का शरीर कैसे बनता है मां के गर्भ में, वो जो बायोलॉजिकल प्रोसीजर है वो अगर आप बता भी दो कि ऐसे ऐसे एक्स वाई क्रोमोसोम के मिलने से यूं यूं संतान जन्म लेती है, तो भी ये उसके प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो इस शरीर के बनने की कहानी नहीं पूछ रहा है, वो तो ये पूछ रहा है कि मैं इस शरीर के पिंजरे में ही कहां से आकर के फंस गया, कहां से आ गया हूं। उसका तो सवाल आत्मा के बारे में, अपने बारे में, अपनी सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में। अरे यही तो वो प्रश्न है, यही तो वो प्रश्न है जिसका उत्तर दुनिया के सारे दर्शन शास्त्र खोजते हैं। तो देखो, प्रश्न करने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा भगवान ने सब लोगों के मन में रखी है। तो अब आपसे एक सवाल पूछ लूं, बताइए, ज्ञान की, ज्ञान की, या सही बोलें तो ज्ञान की जन्मभूमि क्या है? ज्ञान कहां पर जन्म लेता है, ज्ञान कहां पर जन्म लेता है, उसकी जन्मभूमि क्या है? नहीं, सबके पास मगज है पर सब में तो ज्ञान नहीं उपज आता। मगज होते हुए भी ज्ञान नहीं उपजेगा, उसकी जन्मभूमि मगज में है पर कुछ और है। हाँ, बहुत अच्छा। ज्ञान कहां पर जन्म लेता है? जहां जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा या जिज्ञासा होती है। जानने की इच्छा ही नहीं तो फिर ज्ञान उपजेगा ही नहीं। अगर कोई ऊपर से बताए भी, समझाए भी, जिज्ञासा नहीं है तो नहीं, समझने की इच्छा ही नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए कोई जाएगा ही नहीं आर्य समाज के सत्संग में या किसी विद्यालय में या कहीं भी, किताबें पढ़ेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करेगा अगर जिज्ञासा नहीं है। तो जानने की इच्छा होती है तो आप सोचते हैं, सोचना शुरू करते हैं तो प्रश्न उठते हैं, और प्रश्न उठते हैं तो फिर उनके उत्तर ढूंढते हैं, उत्तर ढूंढते हैं तो उत्तर प्राप्त होते हैं। ऐसा उत्तर, वैसा उत्तर, कई उत्तर मिलेंगे, उन सब उत्तरों की तुलना कीजिए, उनमें विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और फिर आप सत्य और असत्य का निर्णय कर पाएंगे। तो बस फिर से आपसे कह दूं कि दो तरह के लोगों के मन में कभी सवाल नहीं उठते, एक तो वो जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और एक वो जो इतने मूर्ख हैं कि कोई जिज्ञासा होती ही नहीं, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होती, उनको कुछ नहीं जानना है, उनके मन में कोई सवाल नहीं उठेंगे। तो अब तो कोई सवाल करिए। हमारे प्रकाश जी ने, महेश जी ने और उदय जी ने हमें कहा था कि पहले आप कुछ बोल दीजिए ताकि सवाल उठाने की फुर्सत मिल जाए। लेकिन अगर मैं किसी विषय पर भाषण शुरू कर दूंगा तो फिर ये नहीं होगा कि मैं आधा घंटा बोल के चुप हो जाऊं और फिर आपसे पूछूं, अच्छा आप सवाल कर लो, फिर आप कोई सवाल नहीं करें तो फिर बचे हुए आधा घंटे का क्या करूं। तो इसलिए सवाल पूछिए, और नहीं तो फिर मैं कुछ और बोलना शुरू कर दूंगा। अच्छा, कागज पर लिखा है।
जी देखिए एक एक सवाल है कि हाँ जी बहुत अच्छा दे दीजिए चिट मेरे को मैं ही पढ़ दूंगा उत्तर देता हूं पहले प्रश्न पढ़ दूं क्या वनस्पति में आत्मा है जो मनुष्य जाति का खुराक है यही आत्मा है तो कच्ची वनस्पति जैसे गाजर मूली हम कच्ची अवस्था में ही खा जाते हैं तो क्या ये हिंसा नहीं है इसके साथ ये भी जोड़िए कि फिर जब अगर वृक्ष वनस्पतियों में जीवात्मा है और हम उन्हें खाते हैं तो फिर मुर्गा बकरी खाने में क्या बुराई है ठीक साधन शुद्धि की बात विस्तार से समझाने का कष्ट करें और श्री मुकेश पटेल जी ने प्रश्न भेजा है और ये प्रश्न वनस्पति में आत्मा संबंधी था नवीन जी बेलानी का जो मांडवी से आए हैं और मुकेश पटेल जी ने पूछा है हम आर्य समाज जी बने और थोड़ा कुछ जाना और समझने लगे कि हमने दूसरे लोगों से ज्यादा समझने लगे हैं ऐसा अहंकार ईगो मन में पैदा होता है यह अहंकार कैसे भगाएं और समाज को कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बने खास अहंकार दूर भगाने की पद्धति बताएं अच्छा देखिए सचमुच तो देखा जाए आप लोगों के प्रश्न एक एक भाषण के हैं एक एक व्याख्यान एक एक लेक्चर पर चलिए कुछ पर अभी बोलता हूं कुछ पर फिर शाम को ऐसे करने की कोशिश करूंगा देखिए वनस्पति में आत्मा अगर है तो फिर इस सवाल का कोई उत्तर नहीं होगा कि फिर मुर्गा बकरी वगैरह क्यों नहीं खाए जा सकते अगर आप ये कहें कि वनस्पतियों में वृक्ष वनस्पतियों में जीवात्मा तो है लेकिन वो सुषुप्ति अवस्था में है और उसे दर्द नहीं होता उसको दुख नहीं होता इसलिए वो खाया जा सकता है उसको काटा मारा जा सकता है तो फिर मैं आपसे पूछता हूं किसी इंसान को किसी बकरे को बेहोशी का इंजेक्शन दे दो एनेस्थीसिया दे दो क्लोरोफार्म सुंघा दो और मार डालो उसे दर्द कहां हुआ तो क्या कोई परेशानी है तो वो भी किया जा सकता है क्या तकलीफ है तो देखिए सीधी सी बात यह है कि वृक्ष वनस्पति में जीवन है पर जीवात्मा नहीं फिर सुन लीजिए वृक्ष वनस्पतियों में जीवन है पर जीवात्मा नहीं है दोनों चीजों में फर्क है जीवात्मा वहां होगा उस शरीर को अपना शरीर समझने वाला जीवात्मा वहां होगा उस पूरे शरीर को अपना शरीर समझने वाला जीवात्मा वहां होगा जहां पर ये छह चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे छह चिन्ह एक सुख दूसरा दुख सुख और दुख की फीलिंग तीसरे सुख पाने की इच्छा चौथा दुख से द्वेष पांचवा ये चीज मेरे लिए सुखद है और ये चीज मेरे लिए दुखद है ये ज्ञान और छठे सुख देने वाली चीज को पाने की कोशिश और दुख देने वाली चीज से बचने की कोशिश ये छह चीजें वहां पर होंगी दूसरे जहां पर जीवात्मा होगा जिस शरीर में उस शरीरधारी जीवात्मा को तीन आजादियां होंगी तीन स्वतंत्रताएं करने न करने और उल्टे ढंग से करने की मैं ऐसा करूं ये नहीं करूं इधर जाऊं ये नहीं भी जाऊं जहां पर ये आजादी है वहां पर जीवात्मा है सोल है चेतना है नहीं तो नहीं है वृक्ष वनस्पतियों में ये चीज नहीं है लेकिन हर एक मुर्गे बकरे कुत्ते कौवे और चींटी छोटा कोई कीड़ा उसमें है जहां पर भी ये चीजें दिखें ये छह चिन्ह दिखें और तीन स्वतंत्रताएं दिखें वहां जीवात्मा है ये समझ लेना चाहिए वृक्ष में जीवन होना वृक्ष का बढ़ना देख करके उसकी ग्रोथ देख करके हम में से कई मित्रों को ऐसा विचार उठता है कि वहां भी जीवात्मा और जीवात्मा के बिना ग्रोथ नहीं होती पर ऐसी बात नहीं है जीवात्मा के न होने पर भी ग्रोथ होती है और वो ईश्वर के होने से होती है ईश्वर की व्यवस्था से होती है जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा किसी की डेथ हो गई अभी अभी दाढ़ी बना करके वो चुका था और अभी अभी शेव की थी और हार्ट फेल हो गया
उसके बेटे रहते हैं अमेरिका, आते आते वक्त लगेगा, 2-3 दिन लग गए, तब तक बॉडी को बर्फ पर सुरक्षित रखा गया। तीसरे दिन आप देखेंगे बाल उगाए हैं, ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, जीवात्मा तो नहीं। अच्छा, इतने से आप संतुष्ट नहीं है तो और उदाहरण ले लीजिए। देखो, अभी वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो वो दोबारा से नहीं उगता, कट गया तो कट गया। लेकिन बचपन के दांत उखड़े थे, दोबारा से फिर उगाए, दूसरी बार उखड़ जाते हैं तब, तीसरी बार नहीं उगते। पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस ऐसे देखे गए हैं डॉक्टर साहब, अपवाद देखे गए हैं कि तीसरी बार भी उगाए। अब आगे चलें, छिपकली, क्या बोलते हैं गुजराती में, गरोड़ी। तो छिपकली की पूंछ कट जाती है और आप देखकर हैरान होंगे कि थोड़े दिन बाद फिर उगाई, फिर कट गई तो फिर उगाई, फिर कट गई तो फिर उगाई। बोलिए, होता है कि नहीं ऐसा? तो वहां तो जीवात्मा है छिपकली में, तो उगाई आप बोलते हो। अब सुन लो साइंस की ताजी रिसर्च, ताजा एक्सपेरिमेंट। हाथ हमारा कट जाता है तो फिर नहीं उगता, पर अब उपाय है। मनुष्य के शरीर का वो जो जीन है, जहां पर स्टेम सेल लेकर के, जहां से हाथ उगा था, वो स्टेम सेल लेकर के और उससे वापस आपका हाथ अब बनाया जा सकता है परख नली में, और फिर डॉक्टर सर्जरी के द्वारा आपके इसमें जोड़ देंगे। वो जो ग्रोथ हुई है उस हाथ की पूरे उसमें, वो कैसे हुई है? वहां जीवात्मा है, पूरा हाथ बनकर तैयार है और ये प्रयोग किए जा चुके हैं। तो जो बढ़ना है, जो ग्रोथ है, वो जीवात्मा के होने से ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं। वो प्राकृतिक नियमों से, ईश्वर की व्यवस्था से होती है। तो वृक्ष वनस्पतियों के अंदर जीवात्मा नहीं है, उनका बढ़ना है। अब देखिए, जीवित होना क्या अर्थ रखता है? हाल लेकर के थोड़ी फैलती है ना, ऐसे फैल करके उस पूरे जले हुए हिस्से पर खाल फैल जाएगी। खाल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लेकिन वो खाल कब लगा देनी चाहिए? 3 मिनट के अंदर अंदर, जब तक उसके सेल्स मर नहीं गए। अगर वो मर गए तो वो खाल मृत हो गई और अब वो नहीं बढ़ेगी। जब तक वो सेल्स जिंदा हैं तब तक वहां रोप दो, तब तो वो बढ़ेगी। तो वो सेल्स जो जिंदा हैं, वहां हर सेल में जीवात्मा है ऐसा नहीं है, वो केवल जीवित सेल्स हैं, वहां जीवात्मा नहीं है। तो वृक्ष वनस्पतियों में जीवात्मा नहीं है। आप मजे से गाजर मूली कच्चा खा जाइए, पूरा वृक्ष काट डालिए अगर मकान बनाना है तो, तब पाप होगा किसी हरे भरे बड़े वृक्ष को काटना, जबकि वृक्ष वैसे ही कम हो रहे हैं और आप और उनमें कमी कर रहे हो, तो पर्यावरण की दृष्टि से वो गलत है। अच्छा बताइए, किसी मकान में जीवात्मा तो नहीं होता ना, किसी बिल्डिंग में? पर किसी बिल्डिंग को, अच्छी खासी बनी बनाई बिल्डिंग को तोड़ना पाप है कि नहीं, और वो भी दूसरे की? तो वहां जीवात्मा के होने से उस बिल्डिंग को तोड़ना पाप है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो किसी की है, बनाने में मेहनत हुई है, पैसा लगा है, परिश्रम खर्च हुआ है, और आप क्यों तोड़ रहे हैं? इसलिए वो गलत है। तो वृक्ष को अनावश्यक न काटें, वो पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाएगा, लेकिन जीवात्मा के होने न होने का कोई संबंध वृक्ष वनस्पति जगत में नहीं है। आशा करता हूं कि आपका समाधान हुआ होगा। श्री नवीन जी बेलानी, हुआ? बहुत अच्छा। हम आर्य समाजी होकर के थोड़ा कुछ जान जाते हैं और समझने लगते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा समझने लगे हैं। तो अगर सचमुच ज्यादा समझने लगे हैं तो फिर ऐसा समझने में कि हम दूसरों से किसी मामले में ज्यादा समझते हैं कोई बुराई नहीं है। अगर एक डॉक्टर ये ना जाने कि मैं इस बीमारी का पक्का इलाज कर सकता हूं, तो क्या वो इलाज कर सकेगा? अगर उसमें स्वाभिमान ना हो, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, तो स्वाभिमान होना एक अलग बात है और दुराभिमान होना एक अलग बात है। अगर मुझे यह भरोसा न हो अपने पर कि मैं 1 घंटा आपको कुछ बातें बता सकता हूं, तो मैं तो माइक के सामने खड़े होने का ही अधिकार नहीं रखता,
और खड़ा हो ही नहीं पाऊंगा, मैं पहले से ही नमस्ते कर लूंगा कि नहीं जी मेरे बस का नहीं है। तो मुझे अपनी नॉलेज पर, अपनी बोलने की शक्ति पर कुछ भरोसा अभिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उचित अभिमान। जैसे ही दुराभिमान में बदला कि हाँ मेरे से ज्यादा कोई है, बस ये जो दुराभिमान है ये बुरा है और ये दुखदायी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना और ईगो होना दोनों अलग अलग बातें। एक शक्तिशाली आदमी को ये पता है कि मैं इतना वजन उठा सकता हूं और वो विनम्रता से ये कोशिश कर सकता है कि चलो अब तक मैं इतना वजन उठाता आया हूं, कोशिश करता हूं कि इससे कुछ ज्यादा और उठा सकूं, देखता हूं। तो हमेशा अपने ज्ञान और अज्ञान दोनों को संभाले रहे। हाँ दे दीजिए लाइए। हमेशा अपने ज्ञान और अज्ञान को चेक करते रहिए। जितना ज्ञान है उतने पर स्वाभिमान रखिए, पर विनम्रता भी रखिए, क्योंकि अज्ञान हमेशा ज्यादा रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना श्री मुकेश जी? हमारा ज्ञान हमेशा कम रहता है और अज्ञान हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि कितना भी हम जान जाएं फिर भी ना जानी हुई बातें हमेशा अनंत होंगी और जितना हमने जाना है वो हमेशा सीमित है। इसलिए हमेशा किसी भी जो सचमुच विद्वान होता है, जो सचमुच ज्ञानवान होता है, वो ये जानता है कि मैं कितना अज्ञानी हूं। समझ रहे हैं ना आप? अभी अभी मैं छात्राओं में बोल करके आया हूं, यहाँ जो पाटीदार वाड़ी है उसमें जो हॉस्टल है बोर्डिंग और स्कूल, तो मैंने बच्चों से पूछा बताओ सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? तो उन्होंने कहा मनुष्य। मैंने कहा नहीं, मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? तो उनको पता नहीं था। तो मैंने उत्तर बताया उनको, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है कि सबसे बुद्धिमान कौन होता है, वो अभी नहीं बता रहा आपको। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा बताओ फिर सबसे बेवकूफ कौन होता है, सबसे बेवकूफ कौन होता है? तो इसका उत्तर वो नहीं दे पाई। तो फिर वो भी मैंने बताया, सबसे बेवकूफ वो होता है जो अपने को सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा ज्ञानवान समझता है, वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अज्ञान हमेशा अनंत है और ज्ञान हमेशा सीमित है हमारा। हाँ, लेकिन हरेक आर्य को यह अभिमान रखना चाहिए कि आपने हिंदू समाज को एक सभ्य समाज में बदलने का पुरुषार्थ किया है, और अभी भी काम बहुत बाकी है, अभी भी समाज के सुधार का काम बहुत बाकी है। और उसको ये अभिमान लेकर के ना जाइए कि हम बड़े समाज सुधारक हैं, विनम्र भाव से जाइए। जहां कहीं भी आपके काम को रुकावट पहुंची है वो इस अहंकार की वजह से ही पहुंची है कि जब आपने दूसरों की गलत बात को समझाना शुरू किया तो विनम्रता से नहीं, चोट पहुंचाते हुए, उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, दूसरों के अहंकार को ठेस पहुंचाते हुए जब आप अपनी बात कहना शुरू करते हो तब आप हार जाते हो। इसलिए कभी भी किसी इंसान की गलत बात को जब आप गलत प्रूव करना चाहें तो उसको विनम्रता से कहें, उसको उसकी ईगो को ठेस न पहुंचाते हुए, उसके अहंकार को ठेस पहुंचाते, अरे कितना बेवकूफ है इतना भी नहीं जानता, ऐसा कहते हुए जब आप बात शुरू करोगे तो आपकी बात खोटी हो जाएगी और वो कहेगा रखो अपना ज्ञान अपने पास, हमें नहीं जानना। तो इसलिए बड़ा तरीके से पूरी साइकोलॉजिकल अप्रोच करते हुए, मनोवैज्ञानिक ढंग को इस्तेमाल करते हुए, और ऋषि दयानंद के समय में जो कहने का ढंग था अब 21वीं शताब्दी की शुरुआत में वो ढंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तब के प्रचार के तरीके भी दूसरे थे, अब के प्रचार के तरीके भी बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे। जो अपने उसी अभिमान में टिका रहता है, इगोइस्ट हो जाता है, वो बदलता नहीं समय के साथ, परिस्थितियां नहीं समझता और अभिमान की वजह से वो मार खाता है, वो संगठन पिछड़ जाता है। मैं आपसे सहमत हूँ, अभिमानी मत होइए। हाँ, स्वाभिमान जरूर रखिए। आपके पास धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ सही जानकारियां हैं और आपको विनम्र होना चाहिए कि ऋषियों के कारण वो आपको मिली हैं। हम खुद थोड़े ही ज्ञानवान हो गए हैं, इसलिए हमें अहंकार करने का, झूठा अभिमान रखने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, विनम्रता से कोई एक सूचना आपको मिल गई है तो दूसरों को विनम्रता से बता दें। अच्छा, एक बात बताइए, आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, आपके पास ये सूचना है कि ये जो ट्रेन अभी आने वाली थी इतने बजे, ये आज कैंसिल कर दी गई है। आपके बगल में एक यात्री बैठा हुआ है, उसको उसी ट्रेन से जाना है और वो मजे में बैठा हुआ है मस्ती से, यहां ट्रेन आ रही होगी, आ रही होगी। तो आपके पास ये सूचना है, आपके पास ये ज्ञान है कि ये ट्रेन तो आज कैंसिल कर दी गई है, तो उस या सह यात्री को
ये सूचना ये ज्ञान देना आपका धर्म है कि नहीं, आपका कर्तव्य है कि नहीं। बस आप उस सूचना को अगर उस यात्री को बता देते हैं तो आपको अभिमान आता है कि हाँ हमने बताई है तेरे को, और इस तरह और आप उसको दुत्कारते हुए, अरे पागल स्टेशन पर बैठा हुआ है इतनी देर से सुनता नहीं अनाउंसमेंट हो रहा है, इस तरह कहेंगे क्या? अरे भाई नहीं सुन पाया, कुछ और बात में मस्त था। तो उसको दुत्कारते हुए मत कहो कि क्या तुम ये पूजा कर रहे हो, इस तरह कहीं होता है, ऐसा कहीं है भगवान, ऐसा कहीं है। तो इस तरह से कहने से व्यक्ति की ईगो को, उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। जैसे हरेक को अपना अहंकार प्रिय है, दूसरे को भी अपना अहंकार प्रिय है, कभी भी दूसरे की अहंकार को ठेस न पहुंचाते हुए अपनी बात कहें। सीधे सरलता से बता दें, अरे मित्र ये ट्रेन आज कैंसिल हो गई है, ये ट्रेन आज नहीं जाएगी, तो कहाँ जाना है आपको? मुंबई जाना है, तो देखो अब ये तरीका है, इस तरीके से आप चले जाओ, आपके पास ज्यादा सूचनाएं हैं, ज्यादा ज्ञान है, विनम्रता से बता दो, वो आपका आभारी हो जाएगा। तो बस नए तरीके और आधुनिक तकनीक, आज के मनुष्य के मन को समझते हुए कि वो किस तरीके से बात सुन और समझ सकता है, वो समझते हुए अपनी बात सामने रखें, तब आप समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो सकेंगे। अब तो बहुत सारे प्रश्न आ गए, मुझे लगता है कि कल शाम तक का पूरा सत्र, सारे सत्र जो है इन प्रश्नों को ही समर्पित कर देने चाहिए। क्या विश्व का ज्ञान विधि का उल्लेख वेद में है? चंदू भाई, शंकर भाई पटेल, जी हाँ, सूत्र रूप में मनुष्य के काम आने वाले जितने भी ज्ञान के सूत्र हैं वो वेद में उपलब्ध हो सकते हैं। विस्तार से फिर कभी। विश्राम भाई एच पटेल, आर्य समाज के कार्यक्रमों को सामान्य जनों तक कैसे पहुंचाया जाए, अर्थात लोकोपयोगी कैसे बनाया जाए, उस पर हम सब आर्यजन बैठकर और विस्तार से चर्चा करें, जो उसमें सक्षम है उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन संक्षेप में इतना ही कि जैसा मैंने अभी अभी भी कहा कि पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि अब वो समय नहीं रहा कि हम दूसरों को दुत्कारते हुए, धिक्कारते हुए और लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचाते हुए हम खंडनात्मक तरीके से अपनी बात आगे रखें। हाँ, विश्लेषण जरूर कीजिए, इस तरह से कहिए कि लोगों को वो बात समझ में आ जाए और उनके दिल की गहराई में उतर जाए। और दूसरे, ये जो पुराना तरीका है ना आपका कि वर्ष में एक बार हम चार दिन उत्सव करते हैं और सोचते हैं कि सब लोग आएंगे और भाषण सुन लेंगे वक्ताओं के और हमारी विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे, ये तरीका अच्छा है लेकिन पुराना पड़ गया है। आज के समय में मनोरंजन लोगों के घरों तक पहुंच गया है, इसलिए वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी सभा में उपस्थित होकर सुनेंगे। इसलिए कुछ नई तकनीक का भी सहारा लें और नए उपाय भी खोजने चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें।